भोपाल अयोध्या निमंत्रण का कांग्रेस द्वारा बहिष्कार किए जाने पर भारतीय जनता पार्टी महिला प्रवक्ता गुंजन चौकसे ने कहा कि जब जब हमारे देश में कुछ ऐतिहासिक हुआ है तब तब कांग्रेस ने उसका बहिष्कार किया है। जब नई संसद भवन बनी थी तब भी कांग्रेस ने इसका बहिष्कार किया था। पूरा देश जिस उत्साह की तरह मना रहा है, पूरा देश राममय हो रहा है। 500 वर्षों बाद यह ऐतिहासिक पल सामने आया है। कांग्रेस इसका भी बहिष्कार कर अपना असली चाल चरित्र दिखा रही है। देखिए, जब जब हमारे देश में कुछ ऐतिहासिक हुआ है तब तक कांग्रेस ने उसका बहिष्कार किया है, क्योंकि कांग्रेस की परंपरा नेहरू जी के जमाने से बहिष्कार की रही है। एक फर्क है नेहरू और गांधी का भी मैं बताना चाहूंगी कि गांधी जी राम राज्य में यकीन रखते थे। गांधी जी का भजन था रघुपति राघव राजा राम। गांधी जी के आखिरी शब्द थे हे राम। ये फर्क दिखाता है कि कैसे नेहरू जी हमेशा बहिष्कार में यकीन रखते थे, और आज जब देश एक ऐतिहासिक पल दोबारा देख रहा है, 500 वर्षों की मेहनत के बाद आज श्री राम प्रभु की रामलला की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में होने जा रही है, तो ये तो एक ऐसा पल है जहां पूरा देश उत्सव के रूप में बना रहा है, और वहां कांग्रेस दूसरी तरफ इसका भी बहिष्कार कर रही है। तो यही है कांग्रेस का असली चाल चरित्र और चेहरा। कांग्रेस के लिए श्री राम राजनीति का मुद्दा है, वहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए श्री राम आस्था का मुद्दा है। तो कांग्रेस को मेरी एक सलाह है कि जिस तरह कांग्रेस ने हर एक अच्छी चीज का बहिष्कार किया है, उसी तरह अब देश की जनता कांग्रेस का बहिष्कार कर चुकी है। जिस तरह मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का सफाया हुआ है, अब धीरे धीरे देश के हर एक राज्य से कांग्रेस को बहिष्कार करके इस देश से निकाल दिया जाएगा। तो कांग्रेस अपनी आखिरी गलती को भी सुधारने का जो मौका था कि पहले तो राम को सुप्रीम कोर्ट में काल्पनिक बताया, और अब श्री राम के जब प्राण प्रतिष्ठा में एक मौका था जाके दंड मस्तक करने का, तो उन्होंने वो भी हाथ से गवाया है और इसको भी आरोप प्रत्यारोप के घेरे में लेकर आए हैं। तो अब कांग्रेस, अब ना प्रभु राम तुम्हारे हैं, ना इस देश की जनता तुम्हारी है, तो अपन इस देश से निकलने की पूरी तैयारी कर ली जाए। ये भी कहा जा रहा है कि 22 तारीख के बाद मध्य प्रदेश की हर विधानसभा से 6,000 श्रद्धालुओं को अयोध्या ले जाया जाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की हर एक कोशिश रहती है कि जनता और प्रभु के बीच का जो दूरी है उसको मिटा दी जाए। ये राम, जैसा मैंने पहले बताया, श्री राम हमारे लिए आस्था का विषय है। भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता के रोम रोम में राम बसते हैं, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कोशिश रहेगी कि जनता को जो 500 साल बाद एक ऐतिहासिक दिन हम सबके जीवन में आया है, और श्री राम की रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है, उसके दर्शन का लाभ प्रदेश की जनता को जितना पहुंचाया जा सकेगा वो पहुंचाया जाएगा।